दोस्तों, तेरे नाम से जुड़ी ऐसी कौन सी 20 बातें हैं जो उसे खास बनाती हैं, जो कि शायद आपको ना पता हो। तो हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तेरे नाम एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसको रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2003 को। इसमें लीड रोल्स में थे सलमान खान, भूमिका चावला और सचिन खेड़ेकर। फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने। आपको बता दूं कि सतीश कौशिक, जो कि खुद एक डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने एज अ डायरेक्टर रूप की रानी, चोरों का राजा, हम आपके दिल में रहते हैं और हमारा दिल आपके पास है जैसी सुपरहिट मूवीज डायरेक्ट की हैं। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो बहुत सारी फिल्मों में, जैसे कि फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में शराफत अली के रोल में, और साजन चले ससुराल में गोविंदा के साथ मुत्तू स्वामी के रोल में, और ऐसी ही बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें ये हमें बतौर एक्टर नज़र आए हैं। तेरे नाम फिल्म की स्टोरी लिखी थी बाला ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद ने। ये फिल्म भूमिका चावला की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म के जो राइटर हैं बाला, तेरे नाम उन्हीं की साउथ फिल्म सेतु, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी, उसकी रीमेक थी। सेतु फिल्म में हमें साउथ के फेमस एक्टर विक्रम नजर आए थे और तेरे नाम में सलमान खान। इस फिल्म में सलमान खान के परफॉर्मेंस की बेहद तारीफ हुई थी और ये फिल्म सलमान खान के करियर की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तेरे नाम फिल्म में लगभग 12 गाने रखे गए थे और इन गानों की लेंथ थी तकरीबन 53 मिनट, और फिल्म की जो लेंथ थी वो थी लगभग 2 घंटे 12 मिनट के आसपास। आपको बता दें कि उस दौर में तेरे नाम के गाने बेहद फेमस हुए थे और आप जब गली मोहल्लों में उस वक्त निकलते थे तो ये गाना कहीं ना कहीं किसी दुकान में, किसी घर से सुनाई इस फिल्म के गाने दे ही जाते थे। जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उस साल इस फिल्म के लगभग 30 लाख कैसेट्स सेल हुए थे। और आपको बता दूं कि उस साल सलमान खान की फिल्म तेरे नाम की एल्बम बाकी सभी एल्बम्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा बिकी थी। इस फिल्म को 375 स्क्रीन्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था लगभग 10 करोड़ के आसपास, और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वो था लगभग 24.5 करोड़ का। तेरे नाम फिल्म को 7.1 IMDB रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब बारी है फिल्म से रिलेटेड कुछ अननोन और अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानने की। फैक्ट नंबर 1, तो इस फिल्म की जो स्टोरी है वो इस फिल्म के राइटर बाला के एक अजीज दोस्त की रियल कहानी पर बेस्ड है, जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके प्यार में पड़कर अपने दिमाग का मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिस वजह से उन्हें मेंटल असाइलम में जाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, तो एक बार पटना में थिएटर में जब ये फिल्म चल रही थी तो बीच में इसका टाइटल सॉन्ग आया था, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो एक युवक थिएटर में बैठा हुआ इतना एक्साइटेड हो गया कि गाने को सुनकर कि उसने कोका कोला की बॉटल, कांच की कोका कोला की बॉटल अपने हाथ पर फोड़ ली, जिससे पूरे थिएटर हॉल में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। और ऑब्वियसली इस दुर्घटना के बाद थिएटर वालों ने उस युवक को सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दिया। फैक्ट नंबर 3, तेरे नाम फिल्म की एडवांस बुकिंग पिछले 5 साल में हुई किसी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग में से सबसे ज्यादा थी। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के रिलीज होने पर मेरिट सिटी में नंदन सिनेमा हॉल ने अपने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म में लगभग 2 घंटे के लिए एडवांस बुकिंग चालू की गई थी और सिर्फ इतने ही टाइम में 3 लाख से ऊपर की टिकट सोल्ड हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सभी को पसंद है, तो जब तेरे नाम का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जोधपुर में होने वाला था तो 12 दर्जन से ज़्यादा युवकों ने अपना हेयर स्टाइल सलमान खान जैसा कर लिया था फिल्म देखने जाने से पहले, और ये वही जगह थी जहां पर सलमान खान के काले हिरन का केस हुआ था। फैक्ट नंबर 6, ये फिल्म सलमान खान की फिल्म 1999 में आई हम साथ साथ हैं के बाद दूसरी सुपरहिट फिल्म थी। 1999 से 2002 तक सलमान खान की कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जब 2003 में तेरे नाम रिलीज हुई तब सलमान खान ने फिर से अपना रुतबा बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैलाया। फैक्ट नंबर 7, राम गोपाल वर्मा ने भी सेतु फिल्म के ऑफिशियल राइट्स खरीदे हुए थे और वो इस फिल्म में संजय कपूर को कास्ट करना चाहते थे,
क्योंकि जब उन्होंने संजय कपूर की कोई मेरे दिल से पूछे में परफॉर्मेंस देखी थी तो उन्हें उनकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई, जिससे उन्होंने निर्णय लिया कि इस फिल्म में वो संजय कपूर को कास्ट करेंगे। डायरेक्शन के लिए उन्होंने ई निवास, एक डायरेक्टर थे, उनको अप्रोच किया, लेकिन जब ई निवास बहुत बिजी थे तो उन्होंने फिर बाला, जो कि इस फिल्म के राइटर है, उन्हें अप्रोच किया, लेकिन बाला हिंदी से कंफर्टेबल नहीं थे तो उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। बाद में सुनील मनसंदा ने राम गोपाल वर्मा से इस फिल्म के राइट्स काफी ज्यादा महंगे पैसों में खरीद लिए थे और फिर उन्होंने सलमान खान को इस फिल्म में कास्ट करके इस फिल्म को रिलीज किया। फैक्ट नंबर 8, संजय कपूर के इस फिल्म से नाम हटने के बाद अजय देवगन को कास्ट करने का सोचा गया था, लेकिन सतीश कौशिक सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए सलमान खान को कास्ट किया गया। फिल्म में एक सीन होता है जब भूमिका चावला सलमान खान को भुजिया खिलाती हैं, तो ये सीन आपको बता दें कि उल्लास नगर में एक बिरला मंदिर में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में सलमान खान का एक गंजे वाला लुक भी दिखाया गया था, तो आपको बता दें कि फिल्म में सलमान खान सही में गंजे हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि 2002 में सलमान खान ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, इसलिए उन्हें सारे बाल अपने शेव करने पड़े थे और फिर उनका वही लुक फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 में जो फिल्म आई थी सलमान खान की जय हो, उसमें जो एक्ट्रेस थी डेजी शाह, आपको बता दें कि सलमान खान ने डेजी शाह को ये अपॉर्चुनिटी दी थी, एक ब्रेक दिया था, और आपको बता दें कि ये ब्रेक कहाँ से मिला था, सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में एक सॉन्ग के अंदर डेजी शाह एज अ बैकग्राउंड डांसर काम कर रही थी, उसी के बाद सलमान खान ने डेजी शाह को ये अपॉर्चुनिटी दी। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म का युवाओं पर बेहद असर पड़ा था, बहुत सारे युवा वही हेयर स्टाइल करवा कर गलियों में मोहल्लों में निकलते थे, मार्केट में निकलते थे, अपने काम पर जाते थे, यहाँ तक कि जो हरकतें राधे यानी कि सलमान खान के कैरेक्टर करते थे फिल्म के अंदर, वो हरकतें भी किया करते थे। उस वक्त सलमान खान ने सभी युवाओं के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी और वो ये थी कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स को आप जिंदगी में फॉलो ना करें और इसे फिल्म समझकर ही देखें, नहीं तो इस बात का आपकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में जो सलमान खान की भाभी का रोल प्ले कर रही थी उनका नाम था सबिता प्रभुने और ये उनकी लास्ट हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में अमीषा पटेल को पहले कास्ट किया जा रहा था, लेकिन डेट्स की कमी के कारण अमीषा पटेल इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थी। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म में हमें कादर खान के बेटे सरफराज खान भी एक अहम भूमिका में नजर आते हैं, जो कि सलमान खान के दोस्त होते हैं। इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया था। फैक्ट नंबर 16, इस फिल्म में हमें महिमा चौधरी ओ जाना सॉन्ग में एक कैमियो, एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। फैक्ट नंबर 17, इस फिल्म में हमें महेंद्र वर्मा, जो कि एक एक्शन डायरेक्टर हैं, एक विलेन के तौर पर हमें नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म में सलमान खान का सिर ट्रेन पर मारा था और उन्हें घायल कर दिया था। फैक्ट नंबर 18, इस फिल्म में एक सीन में सलमान खान बाइक राइड करते हुए नजर आते हैं और फिर आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेसिकली ये बाइक थी एक पार्ट टाइम मराठी प्रोड्यूसर की, नितिन जाधव की, और इस सीन के बाद उनकी बाइक बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। फैक्ट नंबर 19, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बहुत लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि ये फिल्म बेस्ड है ऐश्वर्या राय और सलमान खान की लव स्टोरी पर, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच बहुत अनबन की चर्चाएं हो रही थी, और फिर जाहिर सी बात है कि फिल्म के बाद जब लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई तो सलमान खान और प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर्स, राइटर्स ने साफ इस बात का खंडन किया। फैक्ट नंबर 20, तो फैक्ट नंबर 20 ये है कि फिल्म तेरे नाम और सलमान खान की फिल्म वांटेड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि तेरे नाम में सलमान खान के कैरेक्टर का नाम राधे होता है और वांटेड में भी सलमान खान के कैरेक्टर का नाम राधे होता है, और उनके जो दोस्त का कैरेक्टर है दोनों फिल्मों में वो भी असलम होता है। इन दोनों ही फिल्मों में सलमान खान का एक माचो लुक दिखाया गया है, और अगर गौर से देखा जाए तो तेरे नाम के बाद सलमान खान के करियर में हाइक हुआ था और फिर कुछ पॉइंट पर जाकर फिर से उनके करियर में डाउनफॉल हो गया था, फिर से जब वांटेड रिलीज हुई तो फिर से उनके करियर में हाइक हुआ था, और अब तो सल्लू भाई आगे बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, जैसा कि अनाउंस हो चुका है कि इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है, तो हम इंतजार करते हैं अपने सल्लू भाई को तेरे नाम 2 में देखने के लिए। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।